अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अभी अभी जो है वो उठ गए हैं यार। आज जो है वो तीसरा रोज़ा और तैयार श्यार हो गए हैं, कपड़े शपड़े पहन लिए। रोज़ा सुबह रख लिया था और अभी चल रहे हैं काम पे, काम शाम करते हैं, चलते हैं, फिर आपको आके मिलते हैं शाम को। तो यार फाइनली जो है वो काम शाम से वापस घर आ गए हैं और आपको मैं क्या बताऊं, पूरा लोड बंद है, स्यापा पड़ा हुआ है पूरे लोड में। जगह जगह पे कंटेनर लगे हुए हैं, जाते हुए भी इतनी खज्जल खुआरी हुई है और वापसी आते हुए भी। तो यार ये बड़ा स्यापा जो है ना हमारे लोड में पड़ा हुआ है आजकल जो है वो। इस टाइम भी कंटेनर वगैरह लगे हुए हैं ना, बंदा बाहर कहीं आज तो बिल्कुल भी बंदा बाहर जा ही नहीं ना सकता, कहीं भी नहीं जा सकता। ये हमारी गली के बाहर भी कंटेनर लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई नामो निशान भी नहीं है, लेकिन फिर भी। तो अभी जो है वो इफ्तारी का टाइम होने वाला, चलते हैं नीचे जाकर इफ्तारी वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आप। ये कह रहा है कि मैं पकौड़े तल रहा हूँ और तुम वीडियो बना के अपलोड करो। ये देखो, चलो करो बनाओ। वेलो उधर ऑर्डर हो गए ना, कुछ नहीं करना। गजब बेइज्जती है। यार ये जो है ना ये चिकन, फिर ये आलू, आलू लगा के चिकन, चिकन के अंदर आलू के अंदर चिकन ला के इसको जो है वो पकौड़े बनाते हैं। ये किसकी रेसिपी है? ये बिंदिया बेटे की। बिंदिया बेटे की, ये मेरी मामा की रेसिपी है। ये मेरी मामा बनाती होती थी पिछले रमजान। ये भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, ये बड़ी मज़ेदार बनती है। कौन? ये पकोड़े। अच्छा, और कौन? ये देखो इकलौता पकोड़ा, चेक करो कैसा बना, खा के दस यार। जोड़ा हो गया, खा के दस। ट्विंस हो गए हैं, ट्विंस। तो यार अभी जो है वो इफ्तारी का टाइम रह गया है तकरीबन 25 मिनट 20-25 मिनट। भैया आज क्या बनाया यार? आज यार ये स्पेशल, एक मिनट, ये स्पेशल पकौड़े बनाए हैं और वो स्पेशल एग फ्राइज, अंडे वाली फ्राइज बनाई है। यार मैं ना रात को सैरी काट के सोया हूँ और इफ्तारी करने उठ गया हूँ, दिमाग कोई नहीं पड़ी। ये भाई नमाज पढ़ी है, सिर्फ असर की नहीं पड़ी। ये पकोड़े बने हैं, बन रहे हैं। इस भाई ने बनाए, आपने बनाए? नहीं, पकोड़े बेगम ने बनाए, वो फ्राइज मैंने बनाई है। तो यार ये फ्राइज अभी ये बनी तो नहीं है ना? तो ये अभी मैंने रेडी कर दी है, खा के आपने बताना कैसी बनी है। ये बिरयानी दम तो पड़ी हुई थी, आपने इसका दम तोड़ दिया। सात, ओए होए, सात बिरयानी है, सात दही भल्ले। दही भल्ले। तो यार ये आज हम फिर जो है वो आ गए हैं, इफ्तारी बना रहे हैं। क्या बना रहे हो भाई? आज मैंने बनाए हैं समोसे, खुद बनाए हैं। आधे मैंने पैक किए हैं, आधे आपके भाभी ने पैक किए हैं, और साथ ये वेजिटेबल रोल्स हैं। यार तो जब आपने पैक किए हैं तब क्यों नहीं वीडियो बनाई? तब मेरे दोनों हाथ गंदे थे ना, तो नहीं बना सकता था। तो यार मैं उस टाइम काम पे था, इसने मेरे आने से पहले जो है वो रोल तैयार शेयर कर लिए हैं। ये बड़ी स्पेशल सी दाल पकाई है अम्मी ने, माशाल्लाह से अम्मी ने पकाई है। अम्मी ने पकाई तो तुमसे नहीं पकती? नहीं, ये मैं अभी इतना ट्रेन नहीं हुआ, पीर साहब ने भी इतनी ट्रेनिंग नहीं दी। समोसे जो है वो काफी कूल लग रहे हैं और अभी जो है वो अंदर किसी कोर्ट के तल रहे हैं। ये साथ नगेट्स हैं और ये रोल है। ये एक बंदा भी आ गया, ये बब्बर कुत्ता, ये बब्बर शेर है, चिट्टे वालों वाला, कभी देखा आपने? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। अत्तर लावा दा छोटा भतीजा, इसको रोजा लग रहा है आज। कोई नहीं, गए ने 5 मिनट, केड़े 5 मिनट ते मैं बॉस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यार कैसे, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो यार कल जो है थोड़ा सा व्लॉग बनाया, आपको पता है लोड में जो स्यापा पड़ा हुआ था, कंटेनर वगैरह लगे थे, पूरा लोड तकरीबन बंद था। तो जो है ना अभी आज जो है वो उठे हैं और अभी जा रहे हैं काम शाम पे, चलते हैं जाके काम शाम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे शाम को, निकलते हैं फिर अब। तो यार फाइनली काम शाम से जो है वो वापस आ गए हूँ और इस टाइम तकरीबन 5:30-6 हो रहे हैं। इफ्तारी में जो है वो थोड़ा सा टाइम रह गया,
चलते हैं जाके हम इफ्तारी वगैरह करते हैं, इफ्तारी करके फिर मिलते हैं आपको बाद में। अभी जो है वो नीचे चल के देखते हैं इफ्तारी में बना के आ क्या। ठीक है जी यार, अभी हम ये ना इस टाइम 12 बज रहे हैं, घर में दाल पकी है, ये हाथ रहा बंदा इससे दाल नहीं खाई जाती। कहता मैंने जो है वो चने खाने हैं, तो अभी हम चने लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं DHA फेस 111 बिल्कुल सुनसान है, इसको पता नहीं चने लगते हैं कि नहीं लगते। अभी तो बड़ा चलो चलते हैं, भूख शूख लगी हुई है, कुछ खा भी लेंगे। अभी हम बाजार आए हैं। वो दिखाओ ना DHA की बात है। कौन सी चने वाली? वो कॉर्नर पे है। कौन सी है वो? कॉर्नर पे, वो कॉर्नर पे तुम आगे देख के चलाओ, ठोक ना देना। ओ बंदे दा पुत्र बन यार, पता नहीं मुझे कहां ले जा रहा है, कह रहा है मैंने बर्गर खाना है, मेरे पास पैसे बहुत आ गए हैं। मैं कहा चलो खिला दे। यार गलियां ही कमाई जाई यार, ये मुझे फूड स्ट्रीट पे ले आया, कहता है यहां से जो है वो खाना खाना है। क्या खाना है यार? एक शामी बर्गर लेना है और हाफ हाफ खाना है। इतने पैसे आ गए? कितने पैसे यार? इसके पास पैसा जो है ना बहुत आ गया। आज ये मुझे शामी बर्गर खिला रहा है, आता मुझे खिलाएगा, आता है। ये बर्गर वाली दुकान पे, ये लवली बर्गर पॉइंट है। बंदा आया बर्गर खाने, इसने बर्गर वाले को कहा एक बर्गर ला दो बिच घड़ो अद्धा अद्धा करके लियाना, नाल दो स्टिंग दियां बोतलां। प्यार मोहब्बत बनना है यार, भूख शूख लगी नहीं थी ये मुझे घसीट के ले आया, कहते हैं आज चलो बाहर चले, रात के 12 बज रहे हैं, थोड़ा मूड कर ले। सैड़ी के लिए चने लेने आए थे, तो चने वाली दुकान भी मिल गई है, खुली हुई है। और अभी ये बर्गर खिलाएगा मुझे, सास स्टीम की बोतल पिलाएगा, फिर हम यहाँ से जाएंगे घर, जाके जो है वो सो जाएंगे अगर टाइम मिला तो, फिर जो सुबह उठ के हम सैड़ी करेंगे। ये बंदा ये बुढ़ा हो गया, इसके बाल चेक कर। आ गया हमारा साथ, ये बंदा भी आ गया। ये अद्धा अद्धा बर्गर है, दो पैप आ गए, नाल स्टिंग की बोतल आ गई, याशियां होने लगी हैं। याशियां खुले खुले पैसे बड़े आ गए, पैसे बड़े आ गए जी। बैंक वाले ने फोन किया थोड़े कढ़ा दे। चल यार बर्गर खा, पोतियां गल्लां ना कर। हाय 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 यार, जितना मर्जी महंगा बर्गर खा लो, अंडे वाले बर्गर का अपना ही मजा है, स्वाद आ गया यार। लो जी अब ये जो है वो स्टिंग पीने लगा, मेनू भी दे उड़े कर। बंदा चने ले रहा है, पूरा लोड़ खिड़के खज्जल खवाड़ हो के आके आया चने लेने हैं घर से, सारा लोड़ फिर उड़ के अब आया इधर चने लेने। हाँ जी ये चने ले लिए, अब जा रहे हैं घर की तरफ। मैंने बाइक दे दिया इसको, इसने मुझे ठंड लगने लग गई भाई, बड़ी ठंड हो गई, बड़ी ठंड हो गई। बताओ जरा यार क्या कहना चाहोगे? सर्दी बहुत ज़्यादा है, घर से जैकेट पहन के निकला करें, भावें गर्मियाँ के दिन हैं, आजकल सर्दी लग रही है, मौसम ठंडा है। मिलते हैं आप, हरियाली भी कितनी है, ये हरियाली दिखा रहा आपको, ये अब अपने आप खेत में पहुँच गए। सैड़ी वगैरह जो है वो हमने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी जो है वो अब सोने का टाइम है, सुबह उठ के फिर काम शाम पे भी जाना है। तो ठीक है यार, इस ब्लॉग को करते हैं आप एंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।